आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपी, जहाँ पे मैं बनाऊँगी फूलगोभी आलू और मछली की करी। बहुत ही सिंपल है बनाना और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किया है मैंने इसको बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये ट्रेडिशनल रेसिपी को। सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ के मछली के पीसेस ले लिया, उसको हम यहाँ पे मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे नमक डाल देंगे और साथ ही में यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला के मछली को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उससे मछलियाँ थोड़ा सा मैरिनेट हो जाएगा। हम सूखे मसालों का एक पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा चम्मच अदरक पेस्ट डाल दें, साथ ही में यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें, एक बड़ा चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दें, आधी छोटी चम्मच चीनी डाल दें। चीनी से ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप करें। एक बड़ा चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। अब सूखे मसालों में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। पानी मिलाते हुए यहाँ पे मसालों का एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रहे मसालों में कोई लम्स नहीं रहे। अच्छे से हम यहाँ पे सारे मसालों को पानी के साथ फेंट लेंगे। अब हम यहाँ पे सारे मसालों के पेस्ट को एक साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं कुकिंग के प्रोसेस में। सबसे पहले इंडक्शन में यहाँ पे एक कढ़ाई गरम कर लेंगे। जब कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाएगा, हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच करीब तेल डाल देंगे। मैं यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। हर बंगाली घर में मोस्टली सरसों के तेल में ही खाना बनता है। अगर आपको सरसों के तेल अच्छा नहीं लगता तो आप किसी और तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोभियों को मैं इसी शेप का कट कर दिया। अब हम गोभियों को फ्राई करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, सारे गोभियों को तेल में डाल दें। गोभियों को तेल में अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। हम यहाँ पे गोभियों को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाल दें ताकि गोभियाँ जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। नमक को गोभियों के साथ एक बार मिक्स कर दें और अब हम गोभियों को फ्राई हो जाने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि गोभियाँ जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोभियों के कलर भी चेंजेस हो गए हैं। गोभियों में एक अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। अब हम सारे गोभियों को एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम चलते हैं मछलियों को फ्राई करने के प्रोसेस में। उसके लिए सेम कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल गरम कर ले। यहाँ पे भी मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ध्यान रहे जब हम मछलियाँ फ्राई करेंगे तब तेल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो मछलियाँ जो है वो कढ़ाई में चिपक के रह जाएगी। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम यहाँ पे सारे मछलियों के पीसेस को डाल देंगे तेल में। गैस या इंडक्शन के फ्लेम को यहाँ पे हाई पे रखना है। हाई फ्लेम में हम यहाँ पे मछलियों को तलेंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम मछलियों को पलट देंगे और पलट पलट के यहाँ पे दोनों साइड से पका लेंगे। मछलियों को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है हमको। मछलियों को फ्राई करने में कम से कम आपको 7 से 10 मिनट लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मछलियों का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम मछलियों को एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। उसके लिए सेम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल और ऐड कर दे। तेल को गर्म होते ही हम उसमें खड़े गरम मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच दालचीनी को डाल देंगे, फिर 2 छोटी इलायची को क्रश करके डाल देंगे, 1 तेज़पत्ता डाल दे और साथ ही में 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दे। सारे खड़े गर्म मसालों को यहाँ पे 30 से 40 सेकेंड के लिए तेल में पका लेंगे। फिर मैं यहाँ पे आलू डाल दूँगी। आलू को मैं यहाँ पे लंबाई शेप में काट लिया हूँ, उससे आलू जो है ग्रेवी में अच्छी दिखेगी। आलू को भी यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। आलू को ठीक इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। आलू को फ्राई करने से ग्रेवी में जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। 4 मिनट यहाँ पे हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आलू में जो है एक बहुत ही अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। अब हम उसमें जो हमने मसाला बना के रखे हैं उसको डाल देंगे। साथ ही में 2 यहाँ पे हरी मिर्च डाल दे। हरी मिर्च को मैं बीच में से चीरा लगा दिया और डाल दे यहाँ पे टमाटर। आप चाहे तो टमाटर को बारीकी से भी काट के डाल सकते हैं। मसालों को यहाँ पे टमाटर और आलू के साथ अच्छे से मिला दे। अब हम यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम में मसालों को अच्छे से भून लेंगे।
तीन से चार मिनट बाद हम यहाँ पे फ्राई किए हुए गोभियों को भी डाल देंगे। गोभियों को यहाँ पे डालने के बाद मसालों के साथ यहाँ पे तीन से चार मिनट के लिए और भून लेंगे। स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक ऐड कर दे। ध्यान रहे हमने गोभियों को फ्राई करने के टाइम पे भी नमक का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे नमक का इस्तेमाल हमें थोड़ा सा कम करना है। सब्जियों में नमक को मिलाते हुए हम यहाँ पे सब्जियों को दो मिनट के लिए और भून लेंगे। आप इस बात का ध्यान रहे हम जितना सब्जियों को यहाँ पे मसालों के साथ भूनेंगे उतना ही हमारा ग्रेवी टेस्टी बनेगा। तीन मिनट बाद हम यहाँ पे सब्जियों को और एक बार मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। मैं यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। गर्म पानी से सब्जियों का कलर और टेक्सचर जो है वो बहुत ही सही रहता है। पानी को यहाँ पे मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर दे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे कढ़ाई को ढक देंगे और 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम एक बार कढ़ाई के ढक्कन को हटाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जियों में जो है अच्छा सा उबाल आ गया है। सब्जी भी हमारा ऑलमोस्ट कुक हो गई है। अब हम ग्रेवी में मछलियों के सारे पीसेस को डाल देंगे। ध्यान से आप एक बार यहाँ पे पलट दे ताकि मछलियों के दोनों साइड से जो है ग्रेवी एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और ग्रेवी को 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। 5 मिनट यहाँ पे हो चुका है। अब हम कढ़ाई के ढक्कन को निकाल देंगे और यहाँ पे दो हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगा के डाल देंगे। ये हरी मिर्च यहाँ पे स्मेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे बारीकी से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दे। धनिया पत्ता से ग्रेवी में बहुत ही एक अच्छा खुशबू आएगा। अब यहाँ पे इंडक्शन को बंद कर दे और यहाँ पे सब्जियों को 2 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम पे छोड़ दे। उसके बाद ही हम सब्जियों को सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए आप इस करी को चावल के साथ सर्व करें। चावल के साथ ये करी जो है बहुत ही अच्छा जाता है, तो ज़रूर आप इस रेसिपी को चावल के साथ ट्राई करें। आलू गोभी की तो बहुत ही सब्ज़ी खाई होगी आपने, तो इस बार इस प्रोसेस से मेरी बंगाल की ट्रेडिशन वाली सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें। आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। गर्मा गर्म चावल और इस ग्रेवी की कॉम्बिनेशन ही बहुत अलग है, तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और ट्राई करने के बाद कैसा लगा आप मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।